छे दिन हो गए ने भारतीय फौज दे हैलीकॉप्टर नू रणजीत सागर डैम च हादसाग्रस्त होए नू पर अजे भी पायलट ते को पायलट दा कोई अता पता नहीं है। तकरीबन एक हफ्ते तो इथे यो ही सर्च ऑपरेशन जारी है पर फौजी अफसरां दी तलाश दा ये अभियान अजे तक नाकाम है। हले तक भी जिहड़ियां आर्मी दे जिहड़े आर्मी दे उच्च अधिकारी जिहड़े ने जां ओह हले तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होए तां इस जगह दे उपर जिहड़ा सर्च ऑपरेशन है उस नूं लगातार जारी रखिया जाएगा ते नाल ही इस जगह दे उत्तों जिहड़ा सर्च ऑपरेशन जिन्ना आर्मी दी तसल्ली जिन्ना तक नहीं हुंदी जां जिन्ना तक कोई अहम सबूत जिहड़े ने ओह सारे इकट्ठे नहीं हो जांदे जां पायलट्स बारे नहीं पता लग जांदा उस वेले तक इत्थे जिहड़ा सर्च ऑपरेशन है ओह जारी रहेगा। हादसे के तकरीबन छे अज 9 अगस्त 6 दिन जिहड़े हो चले ने इस तों बाद जिहड़ा रणजीत सागर डैम जिहड़ा है इस दे विच जिहड़ी झील बनी है इस दे विच जिहड़ा हादसा प्लेन जिहड़ा क्रैश होया सी डिग के इस दे मामले दे विच जिहड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है हले तक जारी है। 3 अगस्त नूं रणजीत सागर डैम की झील दे विच हैलीकॉप्टर डिग्गिया सी। इस हैलीकॉप्टर ने पठानकोट दे मामून कैंट तों उड़ान भरी सी। शौनी तो सवेरे 10:20 ते उड़ान भरी गई ते 10:30 ते हैलीकॉप्टर झील दे विच जा डिग गया। कैंट तो 30 किलोमीटर दूर यह हादसा पेश आया। हैलीकॉप्टर 254 आर्मी एविएशन स्क्वाडन का सी। इस दे विच लेफ्टिनेंट कर्नल AS बाट ते कैप्टन जयंत जोशी सवार सन। पठानकोट सने जम्मू कश्मीर की पुलिस के अलावा NDRF की टीम भी लगी हुई है। फौज के जवानों वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन्हां हालातों के विच ऑपरेशन के लंबे चलन की संभावना है क्योंकि पानी गहरा है ते रेस्क्यू ऑपरेशन के विच परेशानी आ रही है।